इस चैनल पर हम आपके लिए मिस्टीरियस इंटरेस्टिंग फैक्ट और जानकारी से भरपूर वीडियोस लेकर आते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं और आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पाएं। ज्यादातर लोग एक छोटे से देश साइप्रस के बारे में बहुत ही कम जानते हैं, तो आज हम आपको साइप्रस के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जो आप नहीं जानते होंगे, तो आइए जानते हैं उनके बारे में। साइप्रस तुर्की के पास स्थित एक छोटा सा देश है जो दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक उत्तरी हिस्सा जिसे नॉर्दर्न साइप्रस या तुर्की साइप्रस कहा जाता है और एक दक्षिण हिस्सा जिसे रिपब्लिक ऑफ साइप्रस कहा जाता है। यहाँ की राजधानी निकोसिया जेरूसलम के बाद दुनिया का दूसरा ऐसा शहर है जो दो हिस्सों में बटा हुआ है। इस देश की खास बात यह है कि यहाँ के उत्तरी हिस्से को तुर्की सपोर्ट करता है और दक्षिण हिस्से को ग्रीस सपोर्ट करता है। इसके अलावा भी यहाँ के उत्तरी हिस्से में लगभग 99% मुसलमान रहते हैं जबकि दक्षिण हिस्से में लगभग 98% ईसाई रहते हैं। कोसोवो के बाद साइप्रस दुनिया का दूसरा देश है जहाँ के राष्ट्रीय फ्लैग पर देश का नक्शा होता है। साइप्रस के लोग काफी खूबसूरत होते हैं और खासकर उत्तरी साइप्रस की महिलाएं तुर्की संप्रदाय के होने की वजह से बहुत ही सुंदर मानी जाती है। साइप्रस की सबसे मजेदार बात यह है कि उत्तरी साइप्रस के ज्यादातर लोग मुसलमान होने की वजह से मॉडर्न होने के बावजूद यहाँ के लोगों में पहनावे के लेकर एक अलग ही तरीका होता है, लेकिन दक्षिण हिस्से के ज्यादातर लोग ग्रीस समुदाय के होने की वजह से यहाँ के लोग काफी मॉडर्न माने जाते हैं जिसका प्रभाव यहाँ के कल्चर में भी पड़ता है। साइप्रस चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है इसीलिए यहाँ पर काफी तादाद में मछलियाँ पाई जाती है, लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि यहाँ के ज्यादातर लोग मछली खाना पसंद नहीं करते हैं। साइप्रस में एक पेड़ पाया जाता है जहाँ पर वहाँ के लोग मन्नतें मांगते रहते हैं और वहाँ के लोगों का विश्वास है कि यहाँ पर मन्नतें बहुत ही जल्दी पूरी हो जाती है। वैसे तो साइप्रस को एक शांतिपूर्व देश माना जाता है लेकिन इसका इतिहास बहुत ही खतरनाक रहा है। बात 1960 से शुरू होती है जब साइप्रस को अंग्रेजों से आजादी मिली थी। बहुत ही जल्द यहाँ के लोग दो गुटों में बैठ गए थे, एक को ग्रीस सपोर्ट करता था और एक को तुर्की सपोर्ट करता था। 1963 में दो तुर्की प्रजाति के लोगों को ग्रीस संप्रदाय के लोगों ने मार दिया था जिसकी वजह से बड़ी मात्रा में दंगे हुए और दोनों तरफ से बहुत सारे लोग मारे गए और इसमें लगभग 25,000 से 30,000 तुर्की के लोग बेघर हो गए थे। इसलिए मजबूरन तुर्की को 1964 में सेना उतरना पड़ा और बहुत ही जल्दी तुर्की की सेना ने साइप्रस पर कब्जा कर लिया, लेकिन इस दौरान तुर्की के मित्र माने जाने वाले अमेरिका ने तुर्की के ऊपर पीछे हटने का दबाव बनाया। 1974 में तुर्की को फिर से सेना उतरना पड़ी जो आज भी उत्तरी साइप्रस में मौजूद है। उत्तरी साइप्रस तुर्की का हिस्सा होने की वजह से यहाँ पर चलने वाली करेंसी तुर्की लीरा है, जबकि दक्षिणी साइप्रस यूरोपियन यूनियन होने की वजह से यहाँ पर चलने वाली करेंसी यूरो है।